हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनु चावड़ा। आज जो मैं पनीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इससे इजी और टेस्टी रेसिपी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसे मैंने इतने कम इंग्रेडिएंट से बनाया है और इसका टेस्ट तो इतना औसम है कि आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। आजकल किचन में इतनी गर्मी है कि ज़्यादा तामझाम वाली रेसिपीज बनाने का मन ही नहीं करता है, बट इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको बहुत ही पसंद आएगी। सो गाइज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। बट उससे पहले प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप आने वाले वीडियोस मिस नहीं कर पाएँ। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, जो कि बहुत ही कम है। यहाँ पर मैं 400 ग्राम पनीर यूज़ कर रही हूँ। इन्हें मैंने बड़े क्यूब्स में काट लिया है। एक बड़ा प्याज है और एक छोटी शिमला मिर्च है। इन्हें मैंने इस तरह बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अगर आप इस रेसिपी को और सिंपल करना चाहते हैं तो अनियन और कैप्सिकम भी मत ऐड कीजिए, बट क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, बट आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इनके अलावा जो दो मेन हीरोज़ हैं इस रेसिपी के, वो है एक टोमेटो प्यूरी और दूसरी है क्रीम। मैं दोनों ही मार्केट की यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इन्हीं से इस सब्ज़ी का फ्लेवर जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आता है। आप कोशिश कीजिएगा कि इसी तरीके से इन्हें यूज़ कीजिएगा। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई में एक टेबल स्पून ऑयल लिया है और अप्रॉक्सीमेट 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं बटर ऐड कर रही हूँ। इस सब्ज़ी को बटर में बनाने से ज़्यादा अच्छे फ्लेवर्स आते हैं। अब मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, ये 1 टीस्पून है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। इसे मैं लो फ्लेम पर आधे 1 मिनट तक कुक करूँगी और इसके बाद इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पर टोमेटो प्यूरी का 3/4 पोर्शन ऐड किया है। तो यहाँ पर मुझे इसे सिर्फ आधे मिनट तक ही कुक करना है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर अपने अनियन और कैप्सिकम को भी ऐड कर दूँगी। प्याज और शिमला मिर्च को भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इनमें एक क्रंचीनेस बरकरार रखनी है। अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करती रहूँगी। मसालों में बहुत ही कम मसाले मैं इसमें यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 टीस्पून रेड चिली पाउडर। वन थर्ड टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड दैट्स इट। बस इसमें मैं और कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी। लास्ट में गरम मसाला ज़रूर ऐड करूँगी। उसके अलावा आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पर क्रीम ऐड कर दी है। क्रीम का भी मैंने 3/4 पोर्शन ही यूज़ किया है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर पनीर भी ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें बाज़ार की क्रीम के बजाय आप घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी इस सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बट बहुत ही अच्छा आता है। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं इसे, अगर आप बाज़ार की क्रीम ऐड नहीं करना चाहते हैं तो। बस इन सबको मैं इस मसाले के साथ कोट कर दूंगी और अब इसमें थोड़ी ग्रेवी के लिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी ऐड किया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से पानी को ज़्यादा भी डाल सकते हैं और उसके बाद इसे क्विक मिक्स दूंगी। अब आप देखिए, इस पनीर की ग्रेवी बिल्कुल लग रही है ना, जैसे कि बहुत ही तामझाम से मसाला पीस कर भून कर बनाई गई ग्रेवी जैसी। लेकिन आपको पता है कि हमने कितनी इजीली इसे बनाया है। अब मैं यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने रोस्ट करके क्रश कर लिया था। ये बहुत ही अलग फ्लेवर देगी इस सब्ज़ी में, इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा।
बस अब इसे हल्का सा मैं मिक्स करूँगी, और थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर शुगर ऐड कर रही हूँ। ये अप्रॉक्सीमेट 1 टीस्पून शुगर होगा, और इसके बाद मैं इसे 2-3 मिनट बस और पकाऊंगी, और ये सब्जी हमारी बिल्कुल मिनटों में रेडी है। सो गाइस, पनीर की सब्जी हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि आपने इसे इतनी इजीली बनाया है और इतनी जल्दी से बनाया है, और इसका टेस्ट तो बहुत ही औसम है, क्योंकि ये बहुत ही क्विक सब्जी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे आप किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं, अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएं और आपके पास ये सब इंग्रेडिएंट्स अगर अवेलेबल हों, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस, प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी तरह की और झटपट रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। सो गाइस, मैं चलती हूँ अब, और आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।